Hi friends, Seema here. Welcome back to my page Craft House and YouTube channel Seema Pathan Craft House. आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार. आज आपके लिए जो मैं आर्टिकल लेके आई हूँ वो मेरे पास काफी दिनों से डिमांड ऑन था कि मैम डॉट पेंटिंग से कुछ आर्टिकल्स बनते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं, उसका हमें मेथड और प्रोसीजर बताइए. तो वही डॉट पेंटिंग करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. बट टुडे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल यू हाउ टू डू द डॉट पेंटिंग. एंड इन अ डॉट पेंटिंग यू कैन डू एनीथिंग एल्स. डॉट पेंटिंग के साथ आप कुछ भी पेंट कर सकते हैं. एटलीस्ट इवन आपकी प्लेट है, आपकी मतलब ग्लासेस है, आपकी एसेसरीज है, एनीथिंग एल्स. इवन आप अपनी टी शर्ट, जीन, कुछ भी पेंट कर सकते हैं, सूट भी पेंट कर सकते हैं. बट यू हैव, उसके लिए सब एक हर एक चीज का अलग अलग प्रोसीजर होगा. टुडे आई टेल यू अ वॉल पेंटिंग लाइक बी अ. मैंने जो इसके लिए कैनवस लिया है वो ट्राइंगल लिया है. ये देखिए कि मेरे पास ट्राइंगल लिया, इस ट्राइंगल के ऊपर मैंने सर्कल बना लिया है. सेंटर सर्कल है, साइड में है और ये सेमी सर्कल, सेमी भी आप कहिए, वन फोर्थ कह सकते हैं. मैंने इसको वाइट उसे ड्रॉ कर लिया है. अब मैं डॉट पेंटिंग से स्टार्ट करूंगी. डॉट रहेंगे हमारे बिग और स्मॉल डॉट्स. डॉट्स के साथ ही हम इस पूरी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. डॉट पेंटिंग बनाने के लिए आपको कैनवस, आप कुछ भी ले सकते हैं जिस मैंने आपको बताया, और इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ अक्रैलिक कलर्स. और डॉट पेंटिंग मैं करूंगी टूथपिक के साथ और ईयरबड्स के साथ. तो आपको बड़ा जहां पर चाहिए वहां पर आप ईयरबड बड़ा यूज कर सकते हैं. ये देखिए ईयरबड, तो ईयरबड है. इस ईयरबड से हम बड़ा सर्कल बनाएंगे और टूथपिक के साथ में हम छोटा सर्कल बनाएंगे. तो आपको जहां बड़ा चाहिए बड़ा, छोटा चाहिए छोटा, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं. बाकी वैसे मार्केट में इसके डॉट पेंटिंग के किट भी अवेलेबल है, आप मार्केट से वो भी परचेज कर सकते हैं. बट आप देखिए हम लोग फिर वही है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वाले, तो हम घर का सामान और यूज ना करें तो ये पॉसिबल ही नहीं है. सो वी आर मेकिंग अ डॉट पेंटिंग विद आर हाउस मटीरियल, ईयरबड्स और टूथपिक के साथ ही हम आज डॉट पेंटिंग स्टार्ट करेंगे. चलिए वी कैन स्टार्ट विद दैट. और एक वन मोर थिंग, इसमें हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन रहेगा, जैसे कि ब्राइट कलर्स, येलो, व्हाइट, रेड एंड ऑरेंज, पैरेट ग्रीन, इस तरह के कलर हम यूज करेंगे, क्योंकि ब्लैक सरफेस है, ब्लैक के ऊपर लाइट कलर का इफेक्ट ज्यादा आता है. उसी में हम स्टार्ट करते हैं. तो देखिए पहले मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर. तो व्हाइट कलर के साथ ही हम करेंगे. अब आप, ये आपका कलर कॉम्बिनेशन है, जैसे आपको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. ये देखिए ईयरबड के साथ ही हम, जैसे सेंटर में ले रही हूं व्हाइट का, और जहां पे हमें लगेगा कि कलर कम है या कुछ है उस चीज का आप ध्यान रखिएगा. ये देखिए अब जैसे ये वाला साइज छोटा हो गया, तो इसके लिए जी और ये आ गया. इस तरह से ये हमारा व्हाइट हमने ले लिया. अब मैं इसके साथ में लूंगी जैसे छोटे वाले डॉट्स, इसके लिए मैं यूज करूंगी टूथपिक, और टूथपिक के साथ ही हम इस पे सर्कल बनाना स्टार्ट करेंगे. ये देखिए ये इस तरह से हमारा हो गया. और इसी तरह से अब आप, अगर अब आपने इसमें जैसे मैंने कलर दूसरा लेना है तो मैं कलर चेंज करूंगी, और कलर चेंज के अंदर मैं इसमें अब सर्कल में इसमें बनाऊंगी येलो कलर के. तो येलो कलर के सर्कल कलर लेने के बाद में आप इसी में, इसी तरह से आप बड़े सर्कल बना सकते हैं. ये देखिए ये हो गया हमारा.
ये देखिए जैसे हमने इधर लगा दिया और इसी तरह से मैं साथ साथ में कलर क्योंकि हमें सेम ही रखना है तो हम इसमें बनाते जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा। इसी तरह से करके आप बड़े और छोटे का डॉट आप बड़ा ले लीजिए छोटा ले लीजिए जैसा भी आप लेना चाहते हैं और कलर जो आप लेना चाहते हैं उसमें लेके आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो ये चीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए अभी इसको करने के बाद में फिर हम स्टार्ट अब मैं स्टार्ट करूँगी येलो स्मॉल वाले छोटे वाले। तो अब आप इसी चीज़ का बस ध्यान रखिए कलर को आपने लेना है और उसके साथ में उसको लगाते जाना है ये देखिए और उसका एक सिमेट्री आपकी रहेगी। सिमेट्री इज वेरी मस्ट। अगर आपकी सिमेट्री भी थोड़ी सी हो जाती है जैसे वो जैसे देखिए अभी यहाँ पे अटैच हो गया है तो इसको ड्राई होने के बाद में मैं यहाँ पे ब्लैक के साथ में ठीक से कर दूंगी बट यू मस्ट बी केयरफुल के स्टार्टिंग में ही आपका ये ठीक आ जाए। तो इसी तरह से अभी हम ये करते चले जाएंगे। अभी ये यहाँ पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि गीला है वहाँ पे आप बाद में कर सकते हैं जहाँ पे सूखा है आप कर सकते हैं तो वहाँ पे आप करते जाइए। तो इसी तरह से हमारी जो डॉट्स का रहेगा हम बनाते जाएंगे। तो चलिए अभी मैं इसमें कंप्लीट करती हूँ बड़े छोटे बनाते जाइए आप और इसको करना इसी तरह से करते रहिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसके अंदर हमारे सिर्फ डॉट बिग स्मॉल ही यूज़ होंगे और हमारे कोई भी डॉट हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसे उसमें हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं बट वैसे जिन्हें पेंटिंग बिल्कुल नहीं आती है वो टूथपिक के साथ भी पेंटिंग बना सकते हैं। ये देखिए हमारा इधर येलो का कंप्लीट हुआ है। अब मैं इधर येलो का ये कंप्लीट कर रही हूँ ये देखिए। तो इसी तरह से हमें सर्कल सारे में बनाते जाना है और ये उनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आ गया कि जिनको बिल्कुल भी ब्रश पकड़ना नहीं आता है वो डॉट पेंटिंग के साथ में पेंटिंग बना सकते हैं। और इसके साथ में वैसे मेरा नेक्स्ट प्लान है इयर रिंग्स और आपका ब्रेसलेट और नेकलेस बनाने का। तो वो मैं प्लान कर रही हूँ कि किस तरह से करके जैसे मैं प्लान करके आपके पास आऊँगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि उसको हम नेकलेस भी ज्वेलरी भी कैसे डॉट पेंटिंग के थ्रू बना सकते हैं और हम अपने पॉट को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो वो ही हमें सब इसी के थ्रू आप ये लगाइए यू कैन यूज योर माइंड देन यू कैन डू दैट। आप किसी भी तरह से कुछ भी आप कर सकते हैं सिर्फ आपने हर एक चीज को प्रॉपरली यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स हमारे डॉट पेंटिंग से हमारा वॉल पेंटिंग बन गई है ये देखिए। ये मैंने आपको बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है। अभी आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हो बहुत कुछ बन सकता है। मैंने और भी काफी बनाई हुई है मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए। ये देखिए ये मेरी एक प्लेट थी। प्लेट को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था पेंट करना तो ये इसी में प्लेट को मैंने डॉट पेंटिंग से पेंट किया है ये देखिए। इसको पूरा मैंने और एक चीज है जैसे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लिया है तो आप इसका बैकग्राउंड व्हाइट भी रख सकते हैं। व्हाइट अगर हम बैकग्राउंड रखेंगे तो उसके ऊपर हमारा उठेगा डार्क शेड्स और अगर हम रखेंगे ब्लैक बैकग्राउंड तो हमारे उठेंगे लाइट शेड्स। ये देखिए आप जैसे भी करके जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है इसमें यू हैव नो नीड टू यूज एनी ब्रश एनीथिंग एल्स। आप डायरेक्टली ही सिर्फ डॉट आप लगाइए ना कि बैठे बैठे हम लोग क्लास रूम में जब जैसे पीछे बैठे बैठे डॉट्स ही बनाते रहते थे कोई छोटा कोई बड़ा कोई क्रिस क्रॉस कुछ ना कुछ बनाते थे। तो आप लगाइए उस डॉट पेंटिंग से ही डॉट से ही अब हमने पेंटिंग बना दी है। तो यही पेंटिंग अब देखिए मैंने इसे प्लेट को किया है। अब इसको आप हैंग कर सकते हैं आप इसको रख सकते हैं कुछ भी एनीथिंग एल्स यू कैन डू दैट आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारा आर्टिकल और हमारी पेंटिंग हमारे घर का फेस मटेरियल यूज हो गया और डेकोरेट हो गया। ये हमारे दोनों के दोनों रेडी हो गए। ये देखिए हमारा प्लेट होगी और ये हमारा ट्राइंगल जैसे मैंने की एक वॉल पे लगाना था। देखिए फ्रेंड्स मेरे दोनों आर्टिकल्स ऐसे मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अब आप लगाइए जैसे वाइन के ग्लासेस होते हैं हमारे कुछ भी एनीथिंग एल्स वो भी आप इसी से डॉट पेंटिंग से पेंट कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स जो भी आपको अच्छा लगता है कर सकते हैं। जैसे आपने मेरी और वीडियोस को लाइक किया इसी तरह मेरी आप इस वीडियो को भी लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल बटन ऑल्सो।
तो आप याद से मेरे YouTube पे भी सब्सक्राइब करें और Facebook पेज के ऊपर भी लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, और जो भी और जिनके क्वेश्चंस थे मैम डॉट पेंटिंग से कुछ सिखा दो, तो ये लीजिए आपकी मैंने डॉट पेंटिंग की जो कंप्लेंट्स थी वो भी कंप्लीट कर दी है। थैंक यू।